पार्किंग के नाम पर चल रहे इस घोटाले के सच को लेकर हमने जिम्मेदार लोगों से भी सवाल किए, लेकिन इस सिस्टम के आगे वो भी बेबस ही नजर आए। आपको बता दें कि लंबे वक्त से पार्किंग के टेंडर ना होना एक और बड़े घपले की तरफ इशारा कर रहा है। टेंडर नहीं होने का मतलब है कि कोई नया प्लेयर इस काम में आए ही ना और पुराने को ही एक्सटेंशन मिलता रहे, जिसका भ्रष्टाचार और मिलीभगत अब लगभग सार्वजनिक हो चुकी है। लेकिन इस बारे में जब महापौर से सवाल किया जाता है तो वो भी हमेशा की तरह सरकारी जवाब ही देते हुए नजर आते हैं। देखिए, ये सही है कि पिछले दिनों पार्किंग नहीं हुई, किंतु क्या है कि पिछले सालों में पार्किंग जिस मूल्य पर, जिस अमाउंट पे गई थी, उस तरह वो रेट रिपीट नहीं हुआ, तो इसमें कुछ समस्या आई है। हम दिखला रहे हैं, तुरंत वापस पार्किंग का टेंडर जल्दी करवाएंगे जिससे व्यवस्था बनी रह सके। निगम की व्यवस्थाओं के मुताबिक पार्किंग लाइसेंस समिति के अंतर्गत आता है और लाइसेंस समिति की ही मेंबर और विपक्षी कांग्रेस पार्षद दल की पार्षद मंजू शर्मा ने भी इस बात पर मोहर लगाते हुए कहा कि लाइसेंस समिति की बैठक में भी इस मुद्दे को लगातार उठाया जा चुका है, लेकिन अधिकारी हैं कि किसी की सुनते ही नहीं, जिसकी बदौलत ये अंधेरगर्दी लगातार जारी है। हमारी लाइसेंस समिति की मीटिंग में भी ये बात उठी है कि यहाँ ठेके क्यों नहीं हो रहे हैं, ये बात हमारी सभी सदस्यों द्वारा उठी है, लेकिन इसका कोई इम्प्लीमेंट हुआ नहीं है, क्योंकि इसका सीधा सीधा भ्रष्टाचार से संबंध है कि ठेके क्यों नहीं हो रहे हैं। ठेके इसलिए नहीं हो रहे हैं कि नगर निगम के अधिकारी उसमें भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और वो ऊपर की ऊपर पार्किंग का पैसा उठा रहे हैं, इसलिए ठेका नहीं हो रहा है। पार्किंग की समस्या वैसे ही जयपुर शहर को बर्बाद कर रही है और इसके ऊपर से पार्किंग में लगातार हो रहे घपले और घोटाले आम जनता से प्रशासन की व्यवस्थाओं पर विश्वास को खत्म करते नजर आ रहे हैं। जयपुर से फर्स्ट इंडिया के लिए लवली वधवा की रिपोर्ट। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर पर। जयपुर मेट्रो के संचालन को और बेहतर करने के लिए अब मेट्रो अपनी फीडर सर्विस में सुधार करेगा। इसके लिए तकनीक और सुरक्षा दोनों पहलुओं को ध्यान में रखकर जुगनू ऐप बेस्ड ऑटो सर्विस के साथ ही जहां एक और मेट्रो कोलैबोरेट कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ 100 और टाटा मैजिक ई रिक्शा मेट्रो के फीडर सर्विस से जुड़ेंगे। एक रिपोर्ट देखिए। किसी भी मेट्रो के अच्छे परिचालन के लिए जरूरी है कि उसकी फीडर सर्विस भी बेहतर हो। फीडर सर्विस वो सर्विस होती है जिसके जरिए आप अपनी जगह से मेट्रो स्टेशन तक पहुंच पाएं और मेट्रो स्टेशन से अपनी जगह तक जा पाएं। इस सर्विस की और भी ज्यादा जरूरत तब हो जाती है जब मेट्रो का जाल बहुत छोटा हो। जयपुर मेट्रो में फिलहाल केवल एक ही लाइन चल रही है और इसलिए फीडर सर्विस यहाँ का एक अहम पहलू है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए अब जयपुर मेट्रो अपना यात्री भार बढ़ाने के लिए अपनी फीडर सुविधाओं में इजाफा करने जा रहा है। आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं फीडर सुविधाओं में क्या क्या इजाफा किया जा रहा है। फीडर सर्विस को आधुनिकता और सुरक्षा से जोड़ा जाएगा। इसके लिए मेट्रो अब जुगनू ऐप बेस्ड ऑटो सर्विस का सहयोग लेगी, जिससे यात्रियों को पिक एंड ड्रॉप सुविधा मिल सकेगी। इसी के साथ 100 नई टाटा मैजिक के भी टेंडर किए जाएंगे। ये टेंडर भी इसी महीने खोले जाएंगे। मेट्रो के डायरेक्टर ऑपरेशन सीएस जीनगर ने इस बारे में बताते हुए कहा कि समय समय पर जनता से मेट्रो के सुधार के बारे में मांगी जाने वाली राय में भी लोगों ने यही कहा है कि मेट्रो की फीडर सर्विस में सुधार जरूरी है। इस बात को अमल में लाते हुए जयपुर मेट्रो अपने कदम उठा भी रही है। अब देखना ये होगा कि कितने प्रभावी तरीके से ये सर्विस लागू हो पाती है। जयपुर से फर्स्ट इंडिया के लिए लवली वधवा की रिपोर्ट।